नमस्कार आपण देखुछन्ति फोकस पॉइंट कड़ा सुरक्षा मध्य आज आरंभ हो अमरनाथ यात्रा प्रथम तीर्थ यात्री दल आज जम्मूर भगवती नगर बेस कैंप्रु यात्रा आरंभ कर दल से यात्रा आरंभ कर सारी गत वर्ष आतंकवादी आक्रमण को दृष्टि रखी चलित वर्ष सुरक्षा व्यवस्था को अधिक कड़ाकड़ी करा सुरक्षा दृष्टिकोण जो गाड़ीगुड़िक अमरनाथ यात्रा जाऊँ गाड़ीगुड़ी उपरे स्वतंत्र चिन्ह लगाई पर्यटकों सुरक्षा को दृष्टि रखी दायित्व सीआरपीएफ को स्वतंत्र आधुनिक गाड़ी मध्य प्रदान करा कड़ा सुरक्षा मध्य आरंभ हो 60 दिन व्यापी अमरनाथ यात्रा प्राय 3000 तीर्थयात्री को नहीं प्रथम दल जम्मूर भगवती बेस कैंप्रु अमरनाथ अभिमुखे यात्रा करिसंती। राज्यपाल एनएन भोरा परामर्शदाता के विजय कुमार और बिबि व्यास पताका देखाई यात्रार शुभारंभ करिथिले। भोर 4:30 प्रथम पर्यायर 107 गाड़ी तीर्थयात्री को नहीं अमरनाथ अभिमुखे यात्रा करिछि। अमरनाथ यात्रा इज अ वेरी 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 सिग्निफिकेंट एनुअल इवेंट विद द कोऑपरेशन ऑफ द पब्लिक ऑल सिक्योरिटी एजेंसीज एंड डेवलपमेंट एजेंसीज वी हैव पुट अ स्कीम इन प्लेस। पहले जत्थे में देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु शामिल हैं। प्रथम बैच तीर्थयात्रियों के मध्य 2334 पुरुष 520 महिला 21 शिशु अच्छा 120 साधु सन्यासी सामिल अच्छा। गुरुवार ठारु तीर्थयात्री माने 3800 मीटर उच्च अमरनाथ गुफा अभिमुखे पदयात्रा रे जिबे। बहुत ज्यादा उत्साहित है सर जी, इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित है। आतंक के वातावरण में हमें बिल्कुल भय का डर नहीं है सर जी, हमें बिल्कुल डर नहीं सर जी। हम हिंदुस्तानियों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि बाबा बर्फानी के दल संकोच बर्फानी के दर्शन करे, कोई खौफ का वातावरण नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा, मन में इच्छा है, भगवान के दर्शन करने की चाहत है, चाहे कुछ भी हो जाए जाएंगे दर्शन करेंगे। नहीं नहीं, कोई बात का डर नहीं, कोई बात की चिंता नहीं, सुविधा बहुत अच्छी है और ऐसा कुछ नहीं है। मन से सच्चे मन से जाएंगे, दर्शन करके आएंगे। अमरनाथ यात्रा पे कड़ा सुरक्षा व्यवस्था करा जाय छी। प्रथम थर पे सीआरपीएफ पक्षरु एक बाइक स्क्वाड तीर्थयात्री को सुरक्षा करिवो। गत वर्षर आक्रमण को दृष्टि रे रखी एथर सुरक्षा व्यवस्था आहुरी कड़ाकड़ी करा जाय छी। अमरनाथ अभिमुखे जाउथिबा गाड़ी गुड़ी को उपरे नजर रखिबा पे सरकार प्रथम थर पे रेडियो फ्रिक्वेन्सी टैग व्यवहार करुछंती। सुरक्षा पे जम्मू और काश्मीर रो पाखापाखी 40,000 पुलिस कर्मी, अर्धसामरिक बाहिनी, एनडीआरएफ और सेना जवान मुतयन हेबे। यहाँ की बात की जाए, यहाँ पर सीआरपीएफ की तरफ से एक विशेष कमांडो दस्ता बुलाया गया है जिसे मोटर बाइसिकल कमांडोज भी कहा जाता है। इनसे ही बात करेंगे सर, किस तरीके से आपके यहाँ पे सिक्योरिटी रखी गई है और किस तरीके से आप लोगों को रेस्क्यू कर सकते हैं। मैं किसी भी परिस्थिति को संभालने के लिए तैयार है, किसी भी स्थिति के लिए। जैसे जाम में गाड़ी के साथ जाएंगे, कोई आतंकी हमला हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, चाहे कोई बीमार आदमी हो गया, उसके लिए मैं पूरा सक्षम हूँ। ये यहाँ से आप कहाँ तक जाएंगे? हम लोग बालटल तक जाएंगे। बालटल तक जाएंगे आप? हाँ सर। ये कैमरा जो आपके यहाँ पे लगा है, ये किस चीज के लिए लगाया जाता है? ये कैमरा है कि हम कहाँ चल रहे हैं हमारा सीनियर अधिकारी देख सके, हमारे हेडक्वार्टर में जो बैठे हैं इसके लिए है। और एम्बुलेंस के लिए भी आपने विशेष सीट बनाई है? हाँ, एम्बुलेंस के लिए जैसे में कोई इमरजेंसी में बीमार पड़ गया उसके लिए फास्ट एड बॉक्स भी है, फास्ट एड कोर्स किया हूँ मैं इसमें। जैसे जहाँ कंजेस्टेड रास्ता है, जहाँ जाने के फोर व्हीलर नहीं है, उसे टू बाइक से बैठा कर जल्दी से जल्दी नजदीक हॉस्पिटल में उसको ले जाएगा। दीर्घ 60 दिन धरी चलिबाकु थिबा एही यात्रा अगस्त 26 माने रक्षाबंधन रे उद्यापित हेबो। सरकारी सूचना अनुसार अमरनाथ यात्रा पे ए पर्यंत 2,00,000 रु अधिक यात्री पंजीकृत करि सारछंती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। प्रतिवर्ष लक्ष लक्ष भक्त बाबांक दर्शन पाए आसीथांती। हेले अमरनाथ यात्रा आसुवा श्रद्धालु एठारे थिबा बहु पुरातन शंकराचार्य मंदिर को भी आसी थांती। ए मंदिर रे एपरी लागे जेपरी साक्षात भगवान शिवंकर दर्शन करा जाउछि। तार आसंतु बुली जिबा एही शंकराचार्य मंदिर आम प्रतिनिधि शंकर आनंद। इस वक्त में हम आप पहुंचे हैं शंकराचार्य मंदिर, जिसे तख्ते सुलेमान के नाम से भी बकाया जाना जाता है।
इस वक्त में आप देख सकते हैं कि ये खूबसूरत नज़ारा, ये कश्मीर का जो डल लेक है बकायदा उसको आप देख सकते हैं और पूरे आसपास में पूरे यहाँ का जो खूबसूरत नज़ारा है वो देखा जा सकता है। और शंकराचार्य मंदिर की अगर बात करें तो ये 371 ईसा पूर्व में इस मंदिर को का निर्माण किया गया था और इसका निर्माण जो है राजा गोपादित्य जो है उन्होंने करवाया था। अमरनाथ यात्रा के समय में जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं शंकराचार्य मंदिर में अवश्य आते हैं। इस वक्त में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यही वो पौराणिक और काफी जो पुरानी ये शिवलिंग है और इसकी जो महत्ता है, इसका जो किस तरह से पौराणिक जो पुराण है उसमें भी इसके जिक्र है, इसके बारे में जानते हैं। हमारे साथ में यहाँ के पंडित हैं। मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले आपका नाम क्या है और ये जो शिवलिंग है काफी पुराना है और शंकराचार्य से भी जुड़ा हुआ है तो उसका क्या महत्व है वो बताइए। देखिए ये आज यहाँ पर भोलेनाथ को मतलब काफी समय हो गया है, ये यहाँ पर स्थापित जो है यहाँ के महाराजा गोपालदित्य के द्वारा 1200 BC में यहाँ स्थापित हुए हैं जगत के कल्याण के लिए। तत्पश्चात 500 BC जो है आदि शंकराचार्य जी का यहाँ आगमन हुआ, 13 मास तक यहाँ शिव जी का ध्यान किया और शिव दर्शन प्राप्त किया। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई है? अच्छा, अमृतसर से आप आई है शंकराचार्य के मंदिर में आई है। तो यहाँ आने से पहले जो आने के बाद जिस तरह से खुशी है और किस तरह से जो एक अमरनाथ यात्रा शुरू हुआ है और शंकराचार्य के मंदिर में है, इसको आप कैसे देखते हैं? एक तो सपना सच होने जैसा है, जैसे बहुत सालों का सच्चा सपना जैसे सच हो जाता है। मैं एक्सप्रेशन नहीं कर सकता कि अपने मेरे मन का बस सपना है और कुछ नो वर्ड्स। कुछ विशेष मन्नत सोच के आए हों यहाँ पे? मन्नत कोई नहीं, बस सबका सुनते थे, हर साल जाते हैं जाते हैं। मन में था भोलेनाथ था मैं भी बुलाओ। भावनाओं का कोई शब्द नहीं होता है और वो भावना इनके आंखों से जो आंसू हैं उसको भी देख के समझा जा सकता है। और अगर यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे काफी कड़ी गई है और खासकर यहाँ पर CRPF के जो जवान हैं वो बकायदा यहाँ पे मुस्तैद हैं, पूरे चप्पे चप्पे पे यहाँ पे नजर रखी जा रही है अगर कश्मीर। हाँ, ये आपने सही बताया कि सिक्योरिटी के लिहाज से काफी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो है काफी प्राचीन मंदिर है, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। और साथ में ये बताना चाहूँगा क्योंकि ये जबरवान हिल्स के टॉप में है और चारों तरफ हिल जो है ये फॉरेस्ट एरिया से कवर्ड हुआ है, तो हमें जो है सारा डोमिनेशन करते हैं फॉरेस्ट एरिया एज वेल एज टेंपल प्रीमिस। तो वाकई में काफ़ी जो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए CRPF को यहाँ तैनात किया गया है और निश्चित तौर पर इस मामले पर चप्पे चप्पे पे निगाह रखी जा रही है। ब्यूरो जर्नलिस्ट गौरव सक्सेना के साथ शंकर आनंद, News 18, शंकराचार्य मंदिर कश्मीर। दरिद्र शब्द भारत सह आउ बेसी दिन जोड़ी हुई रहिबो नाही, दरिद्रर अभिशापरु खूब शीघ्र मुक्त हेबो भारत। समय बितिबा सहित भारत देहरु लिभी लिभी जाउची एई कलंक आउ विकास पथरे आगई चलीछि आम देश। प्रति मिनिट रे दारिद्र सीमा रेखारु बाद पडुचंती 44 भारतीय। सबुदिन पई हटाई देछि भारत। लागुची चलित वर्ष शेष सुधा एही धारारे देश आउ एक पाद आगी जीव। ब्रुकिंसर स्टडी ब्लॉक फ्यूचर डेवलपमेंटर तथ्य अनुसार द्रुत गति में दारिद्र दूरीकरण करुछि भारत। 2022 सुधा देश में रहिबे मात्र 3% दरिद्र, 2030 सुधा दारिद्र मुक्त हेबो भारत। एबे आसंतु जानिबा केउ देश को अति दरिद्र कहा जाए। जेउ देश में नागरिकों दिनक आय 125 टंका रे भी कम से ही देश को अति दरिद्र भाव गणा जाए। आउ एही मापदंड रे भारत रो स्थान नैछि नाइजीरिया। नाइजीरिया रे अति दरिद्र संख्या 8.70 कोटी अछि। नाइजीरिया रे प्रति मिनिट रे 6 जण लोक दरिद्र होउछन्ती। भारत रो स्थान नैछि नाइजीरिया। डिसेंबर सुधा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो द्वितीय रे रहिबो। विश्व बैंक रो रिपोर्ट अनुसार 2004 रु 2011 मस्या मध्ये रे भारत रो दरिद्र संख्या 38.9% रु कम होई 21.2% रे पहुंचछि। आउ 2030 सुधा प्रति 10 जनरु 9 जन दरिद्र आफ्रिका महादेशर 14 देश में रहिबे बोली रिपोर्ट कहुछि। 2017 सेप्टेम्बर 1 तारिख सुधा एमानक संख्या 64.70 कोटी लक्ष थिला। दारिद्र सीमारेखारु बाहरिबारे भारत और चीनवासी संख्या अधिक।
भारत समेत चीन इंडोनेशिया बांग्लादेश फिलिपाइन्स एवं पाकिस्तान रे प्रति व्यक्तिर बढ़ुची आय भारत समेत पूरा विश्व रे प्रति मिनिट्रे 70 लोक दारिद्र्यरु मुक्ति पाउचंती 2016 रे 3.60 कोटी जनता दारिद्र्य सीमारेखारु बाहरिचंती दारिद्र्य आकलन नै फ्यूचर डेवलपमेंट रिपोर्ट सह जदियो भारत सरकार का आकलन मेल खाउ नाही तथापि विश्वर अन्यतम विकसित देश दौड़े भारत द्रुत गति में आगे चलती कहले भूल हेब नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। वर्षा दिन आसे जगत सिंहपुर जिले में बनार आशंका देखा दे था विशेषकर यह जिले में देवी महानदी भली नदी प्रवाहित होता बेले नदीकूलिया लोक मैंने बना विपत्तिर आशंकर रही था विशेषकर जिलार प्रमुख बंध दलई घाई प्रति समस्त नजर रही था विगत वर्षगुड़िक स्थान विपदपूर्ण रही आसीता बेले चलित बर्ष किंतु दलई घाई नदी बंध संपूर्ण विपद मुक्त बोली जल संपद विभाग पक्षर घोषणा कर स्थानीय बासिंदा बेस आश्वस्त उपकूलवर्ती जगत सिंहपुर जिलावासी बन्या समय आतंकित अवस्था रही था जिले महानदी देवी पाइका बिलुआखाई और काठजोड़ी नदी किसी अंश प्रवाहित होबुठू गुरुत्वपूर्ण कथा जिले बन्या स्थिति उपजिले साधारण लोके दलई घाई कथा आलोचना करी कारण यही स्थान एत विपदपूर्ण जे जदि एठार नदीबंध भांगि जाए तेरे संपूर्ण जिला बाह्य जगत रु विच्छिन्न होगा सहित व्यापक धनजीवन क्षति होवार आशंका रही है 1952-1982 मसीह यही नदीबंध भांगि व्यापक क्षयति होता मात्र विगत वर्ष मानक नदीबंधर सुदृढ़ीकरण जो यह प्रति कौन विपद नोक आश्वस्ति अनुभव कर बर्तमान तो अगर 2-4 वर्ष होगा नईर एक पा आसी कि आगुरी जो आतंकित पा आसो आम आतंकित हो पड़ू ना बंध सुरक्षा अच्छी बंधर बहुत उन्नतिकरण होम हो स्पर फर मैं सब मरामती हो जाप्रति आतंकित आम आउना ये बंधर स्थित बहुत मजबूत अच्छी अतीत कम भी एवं जो कम प्रेजेन्स सब भल कम भी हो तेणु कौन से आतंकित हबार ना नदीबंधर उन्नतिकरण कर नाबार्ड सहायतार प्राय 18 कोटी टंका व्यय अटकल नुआ बुरुज निर्माण करेणु बन्या आसिले दलई घाई नदीबंध पाखे लोकने भय आशंका भितर नदीबंधर रास्तार शताधिक लोक जातायात करुवा बेले गमनागमन एक मुख्य रास्ता भाव परिगणित होानटी काठजोड़ी और शाखा नदी सिडुआ नदी संगमस्थल होता बेले सिडुआ नदी पा सीधासख यह स्थान माड़ होता है तेणु एठार विपदर आशंका देखा देउथिला मात्र सही स्थान में पथर पैकिंग सहित अपर पार्श्वरे केनाल बंध काम करोसी विपदर आशंका नहीं बोली विभाग पक्षर कह से भोली आतंकित तो किसी ना ए तो बंधर सुदृढ़ीकरण कर बुरुजर कार्य करोटी कोटी टाँग खर्च हो नुआ नुआ सब रिपेयरिंग कराई लोक मैंने भय कर किसी ना तापर केनाल तार केनाल पार्श्वरे बर्न तैयारी एडी ये बर्न तैयारी डिफरेन्ट जगह गार्ड वाल प्रोविजन तेणु दलई घाई विपदमुक्त अच्छे महानदी में बन्या पानी आसिले सारा राज्य में यह दलई घाई नदीबंध एक चर्चार केन्द्रबिंदु पलटी थाए मात्र चलित वर्ष यह स्थानटी संपूर्ण विपदमुक्त जहाँकि स्थानीय लोक और जिलावासी एक शुभ खबर बोली कहुच्छ बर्तमान ए दलई घाई संपूर्ण विपदमुक्त बोले विभाग अधिकार सूचना देते तेरे से ही अनुसार बर्तमान जो दलई घाई स्थित के देखिले स्थानीय लोक मैंने अनुभव करते दलई घाई नदीबंध प्रति कौन विपद ना जगत सिंहपुर जिला दलई घाई पिनाकी महंती न्यूज 18 ओडिया पुणी लव जिहाद्र शिकार हेले युवती प्रथम निजक हिंदू युवक भाव में परिचय दे युवती प्रेम जाल में फसाइला अभियुक्त पर बहुत ना 2 वर्ष धरी दे शारीरिक निर्यातना किंतु जितेबले युवती बहुत कथा कहले से पदाक आसला युवक असल चेहरा से हिंदू नुहे से मुसलिम आवाह युवती धर्म परिवर्तन करने को पकाई चाप जबरदस्ती संबंध बनाए जो जब उसने अपना नाम गोलू बताया और हाथ में कलावा बांधा हुआ था जबरदस्ती मेरे साथ बदतमीजी की बहुत जो जब पहली बार इसने वीडियो बनाई तो इसने मुझे यही धमकी दी कि मैं वीडियो नेट पे वायरल कर दूंगा एक दिन आया मौलवी को लेके
कह रहा धर्म परिवर्तन करो, कह रहे हैं ये मुसलमान तब होगी जब ये गाय का मीट खाएगी। मात्र बर्षकर कोमलमती शिशु को कूल में धरी आईजी निकट में फेरार होता एक युवती होती लव जिहाद शिकार, जीए दिने साथी हुई जीवन सबु सुख दुखरे पाखरे रहिबार स्वप्न देखाइथिला, जीवन सबु परिस्थिति रे हात न छाडिबाकु प्रतिश्रुति देइथिला, सेही व्यक्ति ही शेषरे धोका देला। मासे कि दुई मास नुहे दुई वर्ष धरी देई चालीथिला शारीरिक निर्यातना, विवाहर प्रतिश्रुति देई प्रथमे शारीरिक संपर्क परे विवाह पई धर्म परिवर्तनर रखिला शर्त, जबरदस्ती मेरे साथ संबंध बनाए और बहुत मैं कह नहीं सकती हर तरीके से गलत तरीके से भी ये मुझे इस तरह से इसी एक वीडियो को लेके ये एक साल तक ब्लैकमेल करता रहा। मथारे भगवान को सिंदूर टीपा लगाई निजो को हिंदू बोली कही अभियुक्त प्रथमे गढ़िला प्रेम संपर्क, दुई वर्ष धरी युवती शरीर और आत्मा सह खेलिला खेल, हेले जेतेबेले अभियुक्त प्रेमिक उपरे विवाह पई युवती चाप पकाइले सेतेबेले सामना को आसिला सत, गोलू भावे निजर परिचय देथिबा युवकर ना बदली होइगला आमिर, मौलवींकु सांगरे आनी युवतींकु विवाह पूर्वरु धर्म परिवर्तन करिबाकु पकाइला चाप। एक दिन आया मौलवी को लेके कह रहा धर्म परिवर्तन करो तब शादी करूंगा, मैंने कहा पहले शादी कर लो फिर धर्म परिवर्तन कर लूंगी, तुम्हारे घर जाने के बाद जब मैं शादी करके घर आ जाऊंगी तो तुम्हारे हिसाब से तो चलूंगी। दुई वर्षर धोखा उपरु परदा उठिला सत, हेले सेतेबेळकु बहु विलंब होइ जायथिला, कोळरे थिला नवजन्मित झियो आउ निरुपाय होइ जायथिले युवती, सुनार संसार गढ़िबार स्वप्न छारखार होइ मिलिथिला केवल प्रतारणा। कह रहे हैं ये मुसलमान तब होगी जब ये गाय का मीट खाएगी, इसे गाय का मीट खिलाओ तब ये मुसलमान होगी तब इसे घर लाएंगे, फिर ये जिद रखी। एबे पीड़िता को धमक देउछि अभियुक्त आमिर, एही धोखा संपर्क रे कहा आगरे भी मुह खोलिले ताकु बदनाम करि देबो, आउ जदि युवती एही मिछ संपर्क रु मुकुलिबा को चाहुछंती ताहेले प्रतिबदल रे तांकु 20 लाख टंका देबा को पड़िबो बोली धमक देछि आमिर। धमकी तो दे रहे हैं, वो तो धमकी तो दे के गए, हाँ 20-20 लाख रुपए का लालच देने उनके घर वाले की इतने रुपए ले लो हमारे बेटे का पीछा छोड़ दो। न्याय पाई एवं आईजी को निकट रे गुहारी करिछंती पीड़िता, सेपड़े अभियुक्त आमिर फेरार थिबा बेले ताकु धरिबा को उद्यम करिछि पुलिस। 2016 से सबसे पहले 2014 से एक लड़के से उसका संपर्क हुआ था, उस लड़के ने तभी अपना परिचय उसका गोलू नाम से दिया था, परिचय हुआ फिर दे दोनों घनिष्ठता बढ़ती गई, जो लड़का है वो वास्तव में मुस्लिम है हिंदू नहीं है और ये लड़की हिंदू है, और बाद में जब इसने उससे रिक्वेस्ट किया कि तुम हमसे शादी कर लो तो शादी नहीं किया, इससे अलग हो गया है, अभी दूर कहीं भाग गया है, ये बता रही है पिछले 5-6 महीने से गायब है, तो इस संबंध में उसने पुलिस कार्रवाई की रिक्वेस्ट की है, हम इस पर जाँच कराएंगे और जाँच के बाद जो भी मामले पाए जाएंगे। अभियुक्त आमिर केबे धरा पड़िब से नहीं किछि जणा पड़ी नाही, सेपडे तांकु न्याय न मिलिले से मुख्यमंत्री को द्वारस्थ हेबे बोली कहिछंती युवती। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। ना अच्छे आईन डर ना अच्छे मनीष पणिया, देशर विभिन्न भाग में क्यों समय मनीष पशु पलटिज ता कही हूं ना, आसतु देखा एपर कि हृदय विदारक दृश्य। गुजरात सूरत वराछा और गीतानगर सोसाइटी रे माड़ मरार वीडियो सामना को आसी, वराछा अंचल जुड़े महिला को निजर पिला छोरी अभियोग लोके निर्धुम पिटिंट, महिला जेते निजर सफे भी उपस्थित जनता शुणा को नाराज, भिड़ मध्य चली निर्धुम माड़ पर महिला स्वामी पुलिस को बुझाइबारे समर्थ हेले आउ निज पत्नी को उद्धार करिवारे सफल होते। सेहिभळे गीतानगर सोसाइटी रे एक बाइक एवं ऑटो मुहांमुही हेबाकु नै सामान्य पचासा मारपीट रूप नैथिला, जणे व्यक्ति को तांकर घर सामनारे ही किछि लोक निर्धुम पीट चालिले, व्यक्ति को बंचाइबा पई अनेक उद्यम करिथिले भी ताहा संभव होइ नथिला, आक्रमणकारी व्यक्ति को पीटी फेरार होइ जाइथिले, ए समस्त दृश्य कैद होइथिला सीसीटीवी रे। सूरत परी अहमदाबाद रे भी समान अवस्था, एपरिकी मणिष उपरे संपर्कियों को अत्याचार भी देखिबा को मिलिछि, वाडाच अंचल रे पिलाचोर गैंग भाबे 4 जण महिला को स्थानीय लोके निर्धुम पिटिले, महिला माने पुलिस को डाकिबा को बारंबार अनुरोध करिथिले भी केही सुनिबा को प्रस्तुत नथिले, कहा मनरे ना दया भाव थिला ना कहार हृदय टिके भी हेले तरले थिला, माडरे जुने महिलांकर त घटनास्थल रे ही मृत्यु होई जाइथिला,
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ମହିଳାମାନେ ରାଜସ୍ଥାନର ଏବଂ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ସେମାନେ ଚଳିଥାନ୍ତି। ସେପଟେ ହାଟକେଶ୍ୱରରେ ବୋହୂ ଉପରେ ଶାଶୁର ନିର୍ମମ ଅତ୍ୟାଚାରର ଦୃଶ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଶାଶୁ ନିଜର ବୋହୂକୁ ପିଟି ପିଟି ଘରୁ ବାହାର କରୁଛି, ଏପରିକି ବୋହୂ ସାଥିରେ ତାର ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗତ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଫେରାର ଅଛି ଏବଂ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗାଜିଆବାଦର, ଯେଉଁଠି ମୋଦି ନଗରରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିର୍ଧୂମ ମାଡ଼। ପାଖରେ ବିଧାୟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଥିଲେ ବି ତାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥିଲା, ଏପରିକି କିଛି ଦୂରରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତାମସା ଦେଖୁଥିଲା। ତେବେ ନା କେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲେ, ନା କାହାକୁ ଟିକେ ଦୟାଭାବ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଯାହା ଉପରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ସେମାନେ ବି ତାମସା ଦେଖୁଥିଲେ। ପ୍ରତିଟି ସହରରେ ମଣିଷ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାରର ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଇନ କାନୁନର ତିଳେ ମାତ୍ର ଡର ନଥିବାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଫୋକସ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏଠି ରଖିବା।